मेरा बेटे का नाम होशदार खां है और जीवान, और मेरा नवासा है राज मोहम्मद खान, राज मोहम्मद खान, और एक नवासी दामाद है उसका मशा बोलते, नाम पूरा नहीं मालूम मेरे को। बोलों से खाली 2 सेकंड की ऐसी बहसम बहसी थी, खत्म हो गई, उसके 10 मिनट के बाद आके ये वार कर दिए लोग। क्या हुआ, कैसा हुआ ये वार? इस तरह मैं तो नहीं था जब ये लोग आके अपने घर का नहीं बैठे थे कहते आए, तो इन उठ के मिलने गए, क्या निसार भाई किधर आ गए बोले तक वार कर दिए। कौन कौन थे वो? ये निसार, निसार, नजीर, निसार, नजीर और मुख्तार का के रहने वाले, ये लोग अभी नई सड़क चंचलगोड़ा। ये वजह क्या है लड़ाई की आपके? ये लड़ाई गई क्यों? ये लड़ाई की वजह वही है, मलगी एक खाली भी थी, मलगी खाली होने के बाद दूसरा किरायेदार आया, वो बोला गोश्त की दुकान ले रहा हूँ, तो बाजू वाले आप जो कहेंगे गोश्त की दुकान नहीं डालना, बाजू वाले से खत्म होगा। बात करे वो करे, हो गया झगड़ा होने के बाद भाई भाई जीवित के बाद खत्म करा दिए, कॉम्प्रोमाइज हो गया, आके लोग अपनी जगह पे बैठ गए, बैठते सीधा ऐसा वार कर दी। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, 4-4, एक तो बचा रहा था वो बच्चा, टोटल 4, एक बच्चा मारे किसको? आके 3 लोग किसको मारे? आके आके होशदार खान जो नाम है अब इंजर्ड है उसको, वेंटिलेटर है अब वेंटिलेटर पे रखे हुए है, बेटा है मेरा, बेटा होना और मेरा भांजी दामाद है नवासी दामाद। 15 टाके लगे और टाके तो मैं नहीं जीना नहीं पूछा, पुलिस कंप्लेंट हुआ, पुलिस सही मादरना पेट पीएस पे दिए कंप्लेंट, जाके उल्ला खुद आए, बोलो ये आए पूरा लेके गए, पूरा इन्वेस्टिगेशन खाने वाले बुलाए, उनके कपड़े उपड़े सब लेके गए, ब्लीडिंग इतनी भी के डॉक्टर बोला के 10 मिनट होते तो इनको क्रिटिकल हो जाते, इनका बीपी 70% पे आ गया था, बीपी पूरा डाउन हो गया था, उसके बाद 2 बॉटल चढ़ा दिए, 3रा बॉटल चढ़ा, बच्चा वेंटिलेटर पे है, ये 2 बच्चे स्टेबल है, क्या बोले भी और उन्होंने पूरी तैयारी से आए थे, ले लेके आए हथियार, क्यों लाए? प्री प्लान आए बोल के हथियार साथ लेके, हथियार ले लेके आए थे, क्या क्या था? हाथ पे अटैक करे, क्या था नहीं मालूम, चाकुआ थे उनके, तेज धार वाले थे, बेहद तेज धार के थे जो वहाँ पे थे छुड़ाने में, और जो उन लोगों का ये है कि उनके हाथ में काफी तेज धार के हथियार आते, और वो उनके साथ ही लेके आए थे, आए इन लोग उठे मिलने के आते सीधा जियो जीमान जो है हमारे जो क्रिटिकल है उनको यहाँ से चेस्ट पे यहाँ तक ऊपर तक, ये पूरा 2 पीस हो गया बाबा चेस्ट पूरा, और काफी डीप है वो, उनको ब्लीडिंग इतनी हुई के उनको क्रिटिकल है ब्लीडिंग की वजह से, और जो 2 बच्चों को मारे उन्हों, एक जनों को यहाँ पे है, और एक बच्चा जो छुड़ाने बीच में दूसरा जाता उसके उंगलियां ऐसा कटे हुए है, ऐसा करे हमारी तो भाई सिटी पुलिस कमिश्नर DCP साहब से और हमारे मादनापेट इंस्पेक्टर साहब से अपील है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि ऐसा हालात बिगड़ सकते हैं इससे, शहर में आजकल जो चल रहा ये चीज़ों से सख्ती से निपटेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हुई है, ये बात कुछ नहीं थी, ये मसला कुछ नहीं था, ये कोई इतना बड़ा वाकया होने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये लोग अब यही जहनीत के ऐसे लोगों को ऐसी पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आगे कोई और सोचना नहीं चाहिए हरकत करने की, क्योंकि बच्चे बैठे रहते अपनी जगह आराम से अपने घर के नहीं बैठे, और इनकी आधी उम्र के जो मारे सवालों के आधी उम्र के बच्चे है भाई बोलते निसार भाई मुकरम भाई बोलते बच्चे मारने के बच्चे, उन लोग आए तो एक्सपेक्ट से उठे उन मिलने के आते उसके ऊपर जी निसार भाई क्या बोल रहे बोलते ही वार कर दिए सीधा बाहर करे, तो हमारी अपील है यही सिटी कमिश्नर साहब से, हमारे से क्या दुश्मनी थी कुछ नहीं। बोल रहा ना भाई बोलते, हमारे को खुद को अब तक समझ में आ रहा है इतना बड़ा वाकया वो लोग करे, क्या वजह है इसकी करने की समझ के बाहर है, और पुलिस इंक्वायरी करना है इसकी वजह क्या है, तो हमारे ही तो यही है, और हमारी भी लोगों से बहुत अच्छी सलाम वालेकुम सलाम मिलना मिलाना, ये बच्चा किसका है, ये नवासी दामाद किसका है, नवासा किसका है, सब मालूम है उनको, उसके बावजूद एक्शन लेके इसकी कार्रवाई करेंगी तो ये चीजा रुकने वाले है, नहीं तो शहर में ऐसे चीजा होने वाले है।
ये टाइम हुआ हम मस्जिद में से नमाज पढ़ के आए तो ये इत्तला मिली। ये जो जीमान जो क्रिटिकल है ये उनके शोल्डर की हालत से रहने की, ये माल ये वजह से मारे। अब डॉक्टर तो बताया कि ये पूरा दो पीस हो गया उनका चेस्ट वाल का, उनके ब्रेन सब कटे हुए हैं अंदर से, वेंटिलेटर लगा दिया उनको, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह काम करे। लेकिन हमारी तो यही है भाई कि पुलिस से हमारी अपील है कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करिए मसले में, और जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब हम पूरा कानून के हिसाब से जाएंगे, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है, हम बराबर पूरा कानून के हिसाब से। अरेस्ट हो गए तीन जने, अरेस्ट हुए उसमें, एक जने भी नहीं हुए, तीन जने अरेस्ट हुए, तीन जने अरेस्ट हुए एक ने हुआ। तो हमारी आपके जरिए कमिश्नर साहब और हमारे DCPO ACPO इंस्पेक्टर साहब और मादन उनसे यही अपील है कि जरा इसमें आप लोग सबसे सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। ये चार जने मिलके आए थे, चार जने मिलके अटैक करेंगे, मुख्तदर, निसार, नजीर, आदिल पीर, चार जने मिलके आए पुलिस के, ऐसे हम अपील कर रहे हैं DCP साहब और कमिश्नर साहब से, ये चारों को सजा होना चाहिए। हुआ क्यों? कुछ भी वजह नहीं है, वहाँ पर हमारी मलगी, हमारे दामद की वो मलगी खाली हुई, खाली करे तो वो मलगी में हम गोश्त की दुकान को देना चाह रहे थे, किराया अच्छा दे रहा था वो, बाजू घर वाला ऑब्जेक्शन करा, गोश्त को नको दियो भाई बोला, तो बाजू घर वाले से बातचीत हो गई, किस्सा खत्म होगा, जरा हाथम पे भी बच्चे बच्चों में सब खत्म होगा, और ये तीनों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तीनों नाहक बीच में आए, बीच में आके आके अटैक करे ये बच्चों के ऊपर, ये लोग घर कने बैठे हुए तीनों आए, ये चार जने मिलके आए दो मोटरसाइकिलों पर आके अटैक करे। नजीर के तो नजीर के कई केसेस है, डबलपुरा PS पे, डबलपुरा PS पे कई केसेस है उसके, नजीर के, और बिल्कुल राउडी टाइप का है बच्चा, वो भाईगिरी करने का बहुत शौक है उसको, दादागिरी करता है, उनको डॉन डॉन पुकारते उनको बस्ती में, ऐसा करे उन्हें। नई सड़क कैच है, चंचौड़ा नवी सड़क कैच है, रौडी शीट नहीं खुली अभी उनकी, मगर केसेस बहुत है उनकी, रौडी शीट PDH लगाओ। हावरे के हमारी अपील है ये दो जनों के पासपोर्ट सीज करना, दोनों को अमेरिकन वीजे लगे हुए है, मुख्तदर एक मुख्तदर अमेरिकन सिटीजन है उसका भी पासपोर्ट सीज करना, और नजीर जो है निसार जो है अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, दोनों का पासपोर्ट सीज करना। कमिश्नर साहब से हमारी अपील है, नहीं तो दोनों भाग जाते। DCP साहब से भी अपील है हमारी, दोनों को सजा होना है कम से कम ये चार जनों को, बोले ना मासूम बच्चों को मारे, तीन बच्चों को मारे, एक को 14 टाके लगे, एक को 20 टाके लगे, एक को 7 टाके लगे, वो चेस्ट पे जो है ऐसा भी नहीं है, चेस्ट पे जो है उसको, चेस्ट पे जो मारे वो बच्चे को वेंटिलेटर लगा दिए, डॉक्टर बोला कि जिस्म में 5 लीटर खून बहता, 3 लीटर तो भाग गया, 3 लीटर भाग गया बोला डॉक्टर, अगर 10 मिनट होते तो क्रिटिकल हो गया था बच्चा, BP 70% हो गया, जानदार है बच्चा, उसमें सेहतमंद है, हेल्थी है। हुकूमत से गुजारिश है हमारी, ये तीनों को PTIT लगाना चाहिए, हमारी CM साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी CM साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारी, और DCP साहब कमिश्नर साहब से और मादनापेट सर्कल से भी रिक्वेस्ट है, ACP से भी है, और ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, तीनों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमारे को, और कुछ भी नहीं, इंसाफ चाहिए बस, पुलिस इंसाफ दिलाना हमारे को, ये तीनों की गुंडागर्दी हमेशा चलते रहती बस्ती में, बोल बस। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।